नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। गाय भैंस के काफ, जो फीमेल काफ है, कटड़िया और बछड़िया है, इनको 12 महीने से 14 महीने के अंदर ही गाभिन होने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी क्या परवरिश दी जाए, यानी कि ऐसी क्या खुराक दी जाए और उनके लिए ऐसा क्या फॉर्मूला यूज करें ताकि वह जल्दी बॉडी ग्रोथ और हाइट ग्रोथ कर पाए, इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिए, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहे, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चार मटेरियल है उनकी जरूरत होगी, वह भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इसमें हालून के बीज, हालून के बीज को हालिम, हलीम या महाराष्ट्र में जैसे आलिव भी कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी नाम गार्डन क्रेस सीड है। काफी पशुपालकों के मेरे पास सवाल रहते हैं कि हलीम क्या है, इसे इंग्लिश में गार्डन क्रेस सीड भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर जरूरत होगी आपको अलसी के बीज, जिसको फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है, जो अलसी के बीज है। और इसके साथ जरूरत होगी सरसों के बीज की, सरसों का बीज जो है वह आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसी में जरूरत होगी सेंधा नमक की, सेंधा नमक जो पिंक रॉक साल्ट है, जिस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, आप उसको भली भांति जानते होंगे। इन चारों चीजों की जरूरत होगी। इसको किस क्वांटिटी में मिलाया जाए और कैसे खिलाया जाए यह भी आप जान लें। हालून के बीज की मात्रा आप यह समझ लें कि हम आपको एक महीने की फीड की जो बता रहे हैं क्वांटिटी, आप उसके अंदर हालून के बीज को 2 किलोग्राम लें, और साथ ही साथ अलसी के बीज को 500 ग्राम मात्रा लें, और सरसों के बीज है उसकी क्वांटिटी 5 किलोग्राम लें, और साथ ही साथ सेंधा नमक यह 500 ग्राम लिया जाना चाहिए। इन तीनों चीजों को, यानी कि हालून के बीज, अलसी के बीज और सरसों के बीज, तीनों को आप अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लीजिए, महीन आटे जैसा बना लीजिए, और इसको आप सेंधा नमक के अंदर मिक्स कर लीजिए। इस मिश्रण को आप एक अलग एयरटाइट जार के अंदर बंद करके रख सकते हैं। 1 महीने की डोज ही बनाना पर्याप्त रहता है। इससे अधिक लंबे समय तक के लिए यदि आप एक साथ बनाएंगे तो हो सकता है वह खराब हो जाए। इसको आपको दिया कितना जाना चाहिए, किस दिन तक कैसी मात्रा दी जानी चाहिए वह भी जान लें। यह काफ को 4 महीने का जब हो जाए, काफ यानी कि जब 4 महीने का हो जाए, अच्छे तरीके से फीड चढ़ना स्टार्ट कर दे। अब आप उसकी फीड के अंदर इसे 30 दिन तक लगातार शाम के समय, नोट कर ले, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शाम के समय इसे दिया जाना चाहिए। शाम के समय आप इसकी मात्रा 250 ग्राम रोजाना की फीड के अंदर, खुराक के अंदर दें। तो यदि आप इसको कंटिन्यू रूप से 4 से 6 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पशुपालकों को बेहतरीन लाभ मिलेगा और आपकी कटड़िया बछड़िया 9 से 12 महीने में ही गाभिन होने के लिए रेडी हो जाएगी। उनका वजन तेजी से बढ़ेगा, साथ ही साथ उनकी हाइट जो ग्रोथ है, जो बॉडी स्ट्रक्चर ग्रोथ है, वह भी काफी तेजी से होगा। आप इस फॉर्मूले का उपयोग उन पशुओं में भी कर सकते हैं जो समय से हीट में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए भी यह बड़ा ही कामयाब फॉर्मूला है। या पशु जो कमजोर रह जाते हैं, जिनकी बॉडी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, उनके अंदर भी आप इसी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यह ध्यान जरूर रखें कि इस फॉर्मूले का उपयोग गाभिन पशु के साथ किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। यह किसी दूध बढ़ाने का फॉर्मूला नहीं है, यह हाइट बॉडी ग्रोथ के लिए ही यूज करना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही अन्य पशुपालक मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका कोई कमेंट और सुझाव और शिकायत हो वह भी जरूर से बताएं। धन्यवाद दोस्तों।